हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि ईश्वर के, यूनिवर्स के आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस, गाइडेंस और एडवाइजेस क्या हैं। रीडिंग टाइमलेस है एंड सभी के जोडियक साइंस पर बेस्ड है। जिस भी जोडियक साइंस से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, सन, मून, वीनस, किसी भी तरीके से, उस जोडियक साइन से आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। रीडिंग बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और साथ ही में फ्रेंड्स टाइमलेस है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जिनको अपना जोडियक साइन नहीं पता उनके लिए हम लास्ट में कलेक्टिवली कार्ड्स भी निकालेंगे, ठीक है? सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटी सी रीडिंग है, कुछ कुछ सेकेंड के मैसेजेस हैं और सभी के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस रीडिंग होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे वाटर साइन के लिए। सबसे पहले पाइसेस के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पाइसेस के लिए आपकी इमीडिएट गाइडेंस क्या है। तो पाइसेस आप लोगों के लिए इमीडिएट गाइडेंस है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, क्रिएट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। आपको एक ब्यूटीफुल ड्रीम जो है वो क्रिएट करना है। जो भी आपका सपना है जो बहुत ही प्यारा है उसके लिए आपको प्रैक्टिकली एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है? और वर्ड्स बहुत ही सोच समझकर बोलने हैं। कोई भी वर्ड आपको ऐसे नहीं बोलने जिससे दूसरों को दुख हो। नाउ वन मैसेज फॉर कैंसर, कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है। ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा आपको अपना बेस्ट करना है। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, और आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है ना ही पास्ट में जीना है। नाउ वन मैसेज फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपके लिए मैसेज है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ठीक है? फर्स्ट थिंग तो ये, आपको किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। और सेकंड थिंग यहाँ पर ये है एवरीवन लाइव्स इन देयर ऑन ड्रीम, हर एक की लाइफ के अपने सपने होते हैं, हर एक का जीने का अपना तरीका होता है, ठीक है? तो ये नहीं कि आप सोचें कि मेरे अकॉर्डिंग हर कोई चले, हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो किसी भी चीज़ को आप लोग पर्सनली ना लें। अब हम करेंगे एयर साइन के लिए। सबसे पहले फॉर जेमिनी, जेमिनी के लिए मैसेज है डोंट मेक अजम्पशंस, आपको अजम्पशंस नहीं बनानी, ठीक है? मन में अनुमान नहीं लगाने, जो क्लियर है, जो रियल है उसको एक्सेप्ट करें और अज्यूम कम से कम करें। लेट योर लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने दें। आपकी लाइफ में टफ फेज है जिससे निकलकर आप एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी को क्रिएट करने वाले हैं, तो इस टफ फेज को आपको एक्सेप्ट करना है। नाउ वन कार्ड फॉर लिब्रा, लिब्रा के लिए है ओम नमः शिवाय। वाओ, डोंट मेक अजम्पशंस, सेम है, आपको भी अजम्पशंस नहीं करनी है, ठीक है? जो रियल है, एग्जैक्ट है उसको एक्सेप्ट करना है। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली, तो आपको कुछ ओपनली और ऑनेस्टली बोलने की ज़रूरत है। नाउ वन कार्ड फॉर अक्वेरियस, अक्वेरियस के लिए क्या आया है देखते हैं। डोंट मेक अजम्पशंस, जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस तीनों के लिए एक मैसेज कॉमन है कि आपको अज्यूम नहीं करना, रियलिटी को फेस करना है और रियल चीज़ों को समझना है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है रिलिंगिश द नीड टू चेंज अदर्स, ठीक है? नाउ हमारा है फायर साइन के लिए, एरीज के लिए वन मैसेज फॉर एरीज, एंड एरीज आपके लिए सेम मैसेज आया है डोंट मेक अजम्पशंस, रिलिंगिश द नीड टू चेंज अदर, ठीक है? आपको अजम्पशंस नहीं करनी है और दूसरों को चेंज करने का ख्याल भी मन से निकाल देना है, खुद के लाइफ पर ही फोकस करना है। नाउ वन कार्ड फॉर लियो, लियो के लिए है डोंट मेक अजम्पशंस, लेट योर लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने दो और किसी भी तरह की कोई अजम्पशन में मत रहो, ठीक है? जो रियलिटी है उसको समझो, उसको फेस करो। नाउ वन फॉर सजिटेरियस, सजिटेरियस के लिए है ऑलवेज डू योर बेस्ट, आपको हमेशा अपना बेस्ट करना है। लव एंड नर्चर योर बॉडी, तो अपनी बॉडी को लव करें, उसको नर्चर करें, दैट मीन्स अपनी देखभाल करें। नाउ फॉर अर्थ साइन टॉरस, टॉरस के लिए लेट्स चेक क्या मैसेज है। फ्रेंड्स अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए।
साथ ही में इस वीडियो में कमेंट करें, प्यारे प्यारे हार्ट सेंड करें और शेयर करें ताकि बाकी जोडियक साइंस के लोग भी इस रीडिंग को चेक कर सकें। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, सोच समझ कर बोलिए, एक्सप्रेस योर लव और अपने लव को एक्सप्रेस कीजिए। नाउ वन कार्ड फॉर वर्गो। वर्गो के लिए क्या आ रहा है? वाओ, डोंट मेक assumptions, assumptions नहीं करनी, assume nothing, assume कुछ नहीं करना, जो चीज़ें रियल हैं उनको देखिए, उनको महसूस कीजिए, उनको फेस कीजिए और जो नहीं है रियल उनको assume मत कीजिए, ठीक है? assumptions दिल तोड़ सकती हैं। नाउ वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, एंड कैप्रिकॉर्न के लिए है स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको प्रेजेंट में रहना है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को छोड़िए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और इन्जॉय कीजिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा हर सिचुएशन में अपना बेस्ट कीजिए। लास्ट में कलेक्टिवली सबके लिए गाइडेंस, जिनको अपना जोडिक साइन नहीं पता और जिनको पता है उनके लिए भी। एंड ये आया है ये कार्ड, और ये कार्ड कह रहा है इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दूसरों के सुझाव को इग्नोर करें, जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है उसको फॉलो करें, उसको माने, ठीक है? डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, कुछ भी पर्सनली नहीं लेना आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। येस, पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एंड उनकी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।